पीएम आवास योजना के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी पैसे का बंदरबाड़ करते हैं उनके लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आपको हम बता दें कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत 1,20,000 रुपया लाभार्थियों को दिया जाता है, लेकिन ये जो पैसा है उन तक पहुंचते पहुंचते इतनी राशि कम हो जाती है, कुछ पैसे से वो अपना आवास नहीं बनवा पाते हैं। ऐसे में कई ऐसे परिवार है जिनको चिन्हित किया गया है कि उन्होंने पैसा तो लिया है लेकिन उनका आवास कम्प्लीट नहीं हुआ है। ऐसे में बिहार सरकार ने 2,00,000 से अधिक लाभार्थियों को व्हाइट नोटिस भेज दिया है और ये जानने की कोशिश की है क्या कारण है कि उन्होंने अभी तक अपना आवास नहीं बनवाया है। इसमें कहीं ना कहीं आवास सहायक और पर्यवेक्षक भी शामिल हो सकते हैं और उन पर भी गाज गिर सकती है बिहार सरकार की। आपको हम बता दें कि जो पीएम आवास योजना के अंतर्गत 1,20,000 रुपये की राशि दी जाती है लाभार्थियों को, लेकिन इस पैसे का जो बंदरबाट किया जाता है इसमें पैसा जो है लाभार्थियों तक इतना कम पहुंच पाता है जिस कारण से वो अपना घर बनाने में सक्षम होते हैं। तो अब देखना होगा कि इसमें दोषी कौन पाए जाते हैं, जो परिवार है वो क्या तर्क देते हैं, किस कारण से उन्होंने अपना घर नहीं बनाया है, क्या पैसे की बंदरबाट कर ली गई है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com या फिर किसी निजी कारण से परिवार वालों ने अपना घर नहीं बनवाया है, ऐसे में बिहार सरकार जो है एक्शन मूड में है और ऐसे में उन लाभार्थियों को नहीं छोड़ने वाली है, उन्हें व्हाइट नोटिस भेज दिया गया है। अब देखना होगा कि बिहार सरकार इस पर कितनी सक्रिय है या फिर इसमें भी किसी तरह के हेराफेरी करके सरकार तक गलत रिपोर्ट सौंप दिया जाएगा। लेकिन बिहार सरकार ने व्हाइट नोटिस भेज दिया है, 2,00,000 से अधिक परिवारों को यह नोटिस भेजा गया है और इसमें सहायक आवास सहायक और पर्यवेक्षक से भी सवाल की जाएंगी और जानने की कोशिश की जाएगी क्या कारण है कि जब लाभार्थियों को पैसा दिया गया है तो उनका आवास नहीं बना है। आपको हम बता दें कि पीएम आवास योजना का जो राशि दिया जाता है 1,20,000 रुपया, उसका जो बंदरबाट होता है या फिर अधिकारियों के द्वारा इसमें जो गोलमाल कर दिया जाता है, इस कारण से कई ऐसे परिवार हैं जो कि लाभ नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे में बिहार सरकार एक्टिव हो चुकी है और व्हाइट नोटिस भेज दिया गया है। अब देखना हो कि इसका रिजल्ट क्या आता है, क्या इस एक्शन से जो लाभार्थी है उन तक सही राशि पहुंच पाएगी। जिस तरह से पीएम आवास योजना के अंतर्गत 1,20,000 की राशि तय की गई है, अगर वो राशि उन तक नहीं पहुंच पाती है, उसका बंदरबाट कर लिया जाता है, जिसमें जो अधिकारी होती है उन पर क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पीएम आवास योजना के अंतर्गत जो लापरवाही की जाती है या फिर अधिकारियों के द्वारा किया गया हो या फिर परिवार वालों के द्वारा, अब सरकार इसमें एक्टिव हो चुकी है और देखना होगा कि जो 1,20,000 की राशि है वो परिवार वालों तक पहुंची है या नहीं और इसमें कितने अधिकारी शामिल है जो कि बंदरबाट कर लेते हैं, उन सभी पर गाज गिरने वाली है और सभी को जो समस्या है होने वाली है। अब देखना होगा कि बिहार सरकार कितनी एक्टिव है इस चीज को लेकर के या फिर इसमें भी लीपापोती कर दी जाएगी। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहे, मैं श्रीकांत भारती और आप देख रहे हैं डीएनडी न्यूज। धन्यवाद। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।